पर जाने के लिए नीचे। नहीं रखने दूंगी। हटो सामने से, गुड लक सबको मिलेगा, वो भी हमेशा। ये सपना पूरा हो सकता है सैम, और तुम्हारा भी तो यही सपना था ना? जानती हूँ बैड लक डरावना होता है, खासकर तब जब वो खत्म ही ना हो, पर फिर भी वो जरूरी है। जरूरी है? लेकिन बैड लक ने हमेशा बस मेरी दुनिया उजाड़ी है, दिल को तोड़ा है। नहीं, मैंने आपकी दुनिया उजाड़ी है। बैड लक तो आपकी दुनिया को फिर से बनाने में मदद कर रहा है। मुझे पता है आप बैड लक के आने से डरती हैं, इससे अपने अकेलेपन की वजह मानती हैं। मैं भी मानती थी, जिंदगी की हर गलती का इल्जाम मैंने बैड लक पर लगा दिया, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे महसूस हुआ इसने मुझे कई अनमोल तोहफे भी दिए हैं। बिना इसके मैं कभी भी हेजल या बॉब से नहीं मिल पाती, और आप भी कभी अपने सच्चे प्यार से नहीं मिलती। ये तुम क्या बोल रही हो? जेफ से आप इसलिए मिल पाई क्योंकि वो बैड लक में डूब गया था। इसका मतलब बैड लक ने आप दोनों को अलग नहीं किया, बल्कि एक दूसरे से मिलवाया है। आप सोचती हैं आपकी दुनिया बैड लक नहीं सह पाएगी, पर वो उससे दोस्ती करेगी। और आप भी कर सकती हैं। आपको बैड लक से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका प्यार आपके साथ है, और इसलिए आपसे ज्यादा खुशकिस्मत और कोई नहीं। अगर अगर गुड और बैड लक दोनों साथ साथ मिलकर रह सके तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं तो अपनी जिंदगी का मजा ही किरकिरा कर लेती। अच्छा किया रोक लिया। साथ में मिलकर रहना चाहिए, सही कहा ना? एकदम सही।